हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। सो गाइस, हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं। अगर मैथमेटिक्स समझनी है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, सो आइए मैथमेटिक्स सीखते हैं। आज की क्लास में क्या सीखने को हमें मिलता है देखते हैं। सो आज क्लास में एक्सरसाइज 6.1 है, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, किस तरीके से सॉल्व करना है। सो है लिमिट x टेंड्स टू a x पावर m माइनस a पावर m डिवाइडेड बाय x पावर n माइनस पावर n, ये है प्रॉब्लम की वैल्यू। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, सो देखिए इस क्वेश्चन को लिमिट पे है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को गौर से देखें, समझिए क्वेश्चन किस तरीके से गिवन है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x टेंड्स टू a, अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, पहले ये हमें देखना है कि डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई करें क्या हो सकता है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से x इनफिनिटी बाय इनफिनिटी आ रहा है, 0 बाय 0 x टेंड्स टू a x की वैल्यू a बाय m माइनस a बाय m वैल्यू दिया है। देखिए a कैंसिल है, आंसर 0 डिवाइडेड बाय x टेंड्स टू a पावर n माइनस a पावर n, अगेन ये कैंसिल पावर नेगेटिव, आंसर 0 मींस 0 बाय 0 0 बाय 0 इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है गाइस, 0 बाय 0 डिटरमिनेट फॉर्म है, तो मींस डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई हो रही, नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसका मतलब कि इसको मजीद सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में टर्म्स देखें किस तरीके से हमें गिवन है। सो सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन जो गिवन है वो है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a x पावर m माइनस a पावर n होल अपॉन में x पावर n माइनस a पावर m। सो प्रॉब्लम देखिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म्स सेम ही, जस्ट पावर चेंज है, x पावर m एंड a पावर m, इज क्या जहां पर ये दो टर्म जो सबट्रैक्ट में दोनों में पावर सेम है, डिनोमिनेटर में दो टर्म्स वही है जो न्यूमरेटर में x a, पावर जस्ट चेंज है, न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स पे पावर सेम है, डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म्स पे पावर जो वो सेम है, ये n है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फार्मूला यूज कर सकते हैं, इस टाइप का हमारे पास फार्मूला मौजूद है। फॉर्मूला मौजूद जो है फॉर्मूला के साइड पे लिखते हैं कि फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। x पावर n माइनस a पावर n है, तो फॉर्मूला मौजूद है x माइनस a मल्टीप्लाई बाय x पावर n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 इनटू a प्लस डॉट 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 प्लस a पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला जो हमारे पास मौजूद है, जो यहाँ पर यूज होगा न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों पे यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में पावर है, दोनों पावर m एंड n, m एंड l, a b c का लेटर है, कोई पता नहीं कौन सा नंबर है, जनरल एक नंबर है, तो इसको फॉर्मूला के हिसाब से एवेल्यूएट करेंगे एंड सिंपलीफाई करेंगे। देखते हैं, आप देखें लिमिट x टेंड्स टू a, आप इसको फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे, दिस पावर चेंज है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस a, सेकंड ब्रैकेट में x पावर यहां पर है m n माइनस 1, तो पावर m था, मगर यहां पर m है तो ये होगा m माइनस 1 मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है, जस्ट m माइनस 1 प्लस x पावर अब आएगा m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a। ठीक, उसके बाद x पावर m माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a पावर m माइनस 1, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये टर्म लिखा है। फार्मूला में पावर जो m था, मगर यहां पर प्रॉब्लम में पावर m है, तो m की जगह पे n था, तो जस्ट m रिप्लेस किया है। जो मल्टीपल पार्ट डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म है, इसके हिसाब से सेम एग्जैक्टली फार्मूला है, इसको टर्म लिखे दो x माइनस a x पावर n माइनस 1 x पावर n माइनस 2, ये 2 है, यहाँ पर 3 है, मिस्टेक्स हो गई। ठीक है, n टू a प्लस x पावर n माइनस 3 n टू a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस a पावर n माइनस 1। ठीक है, ये m जी आ गया था आपके सामने, डिनोमिनेटर में सेम एग्जैक्टली फार्मूला था, तो फार्मूला लिखा है,
न्यूटन 20 एम एक्सेक्टली वही है, जस्ट पावर चेंज, पावर एन के बजाय एम। ठीक, तो अब देखिए न्यूमेरेटर में भी दो फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी दो फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मगर दोनों फैक्टर्स में x - a एंड x - c सेम है, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास जो टर्म रहेगा वो कौन सा है, x पावर n - 1, x पावर n - 2 * a, x पावर m - 3 * a स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a पावर m - 1। न्यूमेरेटर में फैक्टर जो सेकंड का हो, डिनोमिनेटर में 20 साइन ले लिए, x पावर n माइनस 1, x पावर n माइनस 2 इनटू a, x पावर n माइनस 3 इनटू a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस a पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये टर्म है। कैंसिलेशन के बाद फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई किया, सेकंड स्टेप में जो टर्म कैंसिल हुआ है, कैंसिल होने के बाद जो टर्म रहे हैं वो लिखे हैं हमने। ठीक है गाइस, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, जो वैल्यू गिवन है इसके हिसाब से बाय अप्लाई लिमिट। अब लिमिट को हम अप्लाई कर सकते हैं, बाय अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू a, वी गेट x टेंड्स टू a लिमिट है, यहां पर x टेंड्स टू a है, तो x टेंड्स टू a जो लिमिट है वो अप्लाई की जाएगी। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे, तो x इज रिप्लेस्ड बाय x tends to a, तो x की वैल्यू a है, तो means x replaced by a, तो x को a से रिप्लेस करेंगे, तो जिकस टू रिप्लेस करेंगे तो किस तरीके से टर्म आएंगे n की जगह पे, उनकी रिप्लेसमेंट में टर्म मौजूद होंगे। सो देखिए कैसे टर्म मौजूद होंगे, x पावर m माइनस 1, सो x tends to a, तो x की जगह पे a पावर m माइनस 1 प्लस x की जगह पे a पावर m माइनस 2 इनटू a sin प्लस x की जगह पे a पावर m माइनस 3 इनटू a sin। ठीक है, ये टर्म्स जो है x रिप्लेस कर रहे हैं, x की जगह पे टर्म्स रिप्लेस हो रहे हैं। सो देखिए x की जगह पे a लिख रहे, तो x पावर m माइनस 1 प्लस x की जगह पे a मींस x a पावर m माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a sin प्लस x की जगह पे a, तो a पावर m माइनस 3 इनटू a स्क्वायर है, यहां पर a स्क्वायर आ गया प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म में a पावर m माइनस 1, लास्ट टर्म था a पावर m माइनस 1। ठीक है, तो न्यूमेरेटर में जो टर्म था उसमें x को रिप्लेस किया हमने बाय इट्स वैल्यू दैट इज a, सो होल अपॉन में होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में वही टर्म है, जब x की जगह पे a आएगा मींस x पावर a पावर m माइनस 1 a पावर m माइनस 2 इनटू a आएगा, a पावर n माइनस 3 इनटू a स्क्वायर आएगा प्लस डॉट डॉट प्लस a पावर n माइनस 1। ठीक है, a पावर n माइनस 1 प्लस x की जगह पे a पावर n माइनस 2 इनटू इसके साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस x पावर x मींस a पावर n माइनस 3 है इनटू a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इनटू a पावर n माइनस 1। तो यहां पर लिमिट अप्लाई करने x की जगह पे a रिप्लेस किया, वो जाके हमारे पास स्टेप मिला है। So, अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इनको सिंपलीफाई किया जाएगा, सिंपलीफाई मींस a पावर m माइनस 1 प्लस, अब देखिए ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a पे पावर m माइनस 1 है, इसलिए a पे पावर कुछ भी नहीं है मींस 1 है, तो अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों सेम है, दोनों का बेस अगर सेम है, बेस अगर तो बेस कांस्टेंट लिखेंगे, उनका पावर जो है उन पावर को आपस में प्लस करेंगे, इस a पावर m माइनस 1 m माइनस 2 है एंड यहां पर a पे पावर कुछ भी नहीं है मींस 1 है, तो 1 इसका पावर m माइनस 2 एंड g प्लस 1। ठीक है, दोनों आपस में प्लस करेंगे प्लस आगे जो अगेन ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के पावर्स बेस है, बेस कांस्टेंट देखिए पावर दोनों का जो आपस में प्लस करेंगे m माइनस 3 एंड इसकी पावर 2 है, आपस में प्लस होंगे प्लस डॉट डॉट प्लस a पावर m माइनस 1 है, सो होल अपॉन में डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसेस a पावर m माइनस 1 सेम है। अब यहां पर अगेन दो टर्म्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, बेस वन स्टेप लिखे तो बेस सेम है तो पावर आपस में प्लस हो गए a माइनस 2, इस a पे पावर कुछ भी नहीं है, नहीं है मींस इस पे पावर 1 है, तो दोनों का पावर आपस में प्लस करेंगे। ठीक, प्लस नेक्स्ट टर्म अगेन ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, बेस वन स्टेप लिखे दोनों के पावर जो है आपस में प्लस माइनस करेंगे, तो m माइनस 3 एंड नेक्स्ट टर्म का पावर प्लस का 2 है, सो डॉट 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 प्लस a पावर n माइनस 1।
ये था क्रम। अब नेक्स्ट स्टेप है z = a^n-1 a^m (-2n+1) दोनों आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो एक नंबर माइनस का एक प्लस का है, जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है, छोटा नंबर है वो प्लस का है। दोनों की साइन चेंज है मींस माइनस ही होंगे, 2 में से 1 माइनस करें बाकी 1 ही रहेगा, मगर 1 माइनस का लिखेंगे क्योंकि साइन हमेशा जो बड़ा नंबर होता है उसकी ली जाती है। तो माइनस का 2 है इसलिए आंसर -1 रहेगा। आगे नेक्स्ट क्रम में a^m (-3+2) दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे बाकी 1 रहेगा मगर 1 माइनस का रहेगा क्योंकि साइन जो है हमेशा लार्जर नंबर की टेक आउट की जाती है। तो 3 बड़ा नंबर है, 3 की साइन माइनस है इसलिए प्लस डॉट। इस तरीके से आगे नंबर चेक करेंगे, लास्ट नंबर भी है -1 ही है। सो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सेम प्रोसेस a^n-1, दोनों नंबर्स a^n-2+1 मींस -1 सेम है, a^n-3+2 सेम जो न्यूमरेटर में परफॉर्म करके आया वही है, -3+2 मींस -1 डॉट डॉट मींस सेम। इस तरीके से a^n-1। अब देखिए जो टर्म्स प्लस हो रहे हैं सब ई टर्म्स सेम है, a^n-1 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 प्लस प्लस बीच में टर्म जो डॉट डॉट मींस पता नहीं कितने टर्म्स है मगर टर्म यही है a^n-1। तो मींस इसकी एडिशन 2 3 प्लस डॉट डॉट मींस कितने टर्म है कोई लिमिट नहीं, इसलिए इसका जो सम होगा वो जनरली लिखा जाएगा। क्या जनरली लिखा जाएगा इसको कहेंगे m a^n-1 मींस इसकी एडिशन जो कि m into a^n मींस 10 15 30 कितने है पता नहीं, इसके जनरली m दिया है, डिनोमिनेटर में भी n लिखेंगे क्योंकि इस पर पावर n है, तो ये भी सेम है, दोनों में पावर हर टर्म में पावर सेम है, डॉट डॉट मींस टर्म सेम यही आ रहे हैं, लास्ट टर्म a^n-1 ही है। तो इसकी जो समेशन होगी वो जनरल होगी, क्या जनरल मींस कहेंगे n into a^n-1 ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, m/n a^n-1 है मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए जो न्यूमरेटर में टर्म ए है सेम डिनोमिनेटर में टर्म वही a^n में मौजूद है, बेस है ना, तो टर्म को हम क्या करें मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, सेम है तो सिंपलीफाई करना पड़ेगा, बाकी m/n ये सेम रहेगा, जो डिनोमिनेटर जब दे टर्म है ए उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ऊपर खींच रहे हैं न्यूमरेटर की जगह क्योंकि ऊपर भी a^n टर्म मौजूद है, बेस है तो उसके टर्म को अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा इस नंबर की पावर की साइन चेंज हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, नेगेटिव वो पॉजिटिव हो गया क्योंकि चेंज अपनी पोजीशन कर गया, नेगेटिव डिनोमिनेटर था हमने उसको मल्टीप्लाई में चेंज किया मींस न्यूमरेटर में भेज दिया है, तो पावर की जो साइन होगी वो चेंज होगी अल्टर होगी, इसलिए m/n a अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों का बेस है वन टाइम लिखे दोनों के पावर जो आपस में प्लस माइनस हो गए ठीक पावर कंबाइन कर दिया हमने सो m/n a^n-1 and +1 कैंसिल हो गया बाकी m-n, तो ये था फाइनली सॉल्यूशन इवैल्यूएशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है थोड़ी सिंपलीफिकेशन थी बाकी सिंपल है आपके सामने सब किस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब देखिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कंप्लीट सॉल्यूशन पहले जो प्रॉब्लम्स थे इनमें फार्मूला यूज किए लाइक कंपेयर होने के बाद सिंपलीफिकेशन है लिमिट अप्लाई किए, लिमिट अप्लाई के बाद सिंपलीफाई किया जो टर्म मिला जिस तरीके से आंसर मिला है वो आपके सामने है। ठीक है गाइस ओके अल्लाह हाफिज़।